सीधे लिए चलते हैं संसद की ओर, जहां लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ, बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। नहीं, पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलो, पूरी पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो यस, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41 बैठिए पहले इनको तो बिठाओ, ब्लड प्रेशर आ रहा है। बैठ, प्लीज बैठे, प्लीज 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 बैठिए बैठिए बैठिए। 41 माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपरा रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी हैं। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाट बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरीके की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूँगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूँ, और हम जितना आसन का सदन की गरिमा रखेंगे उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले अने मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। नौ मैंने मैंने जब सदन से कह दिया फिर ऐसा नहीं है, मैंने नहीं, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगरई। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल। माननीय सदस्य
supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goals? स्पीकर सर, जहाँ तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर ये पब्लिश कर रखा है, जिसमें चाहे उसका वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा वेरिफिकेशन सत्यापन का हो, इस सारे विषय को वास्तव में बहुत एक गंभीर विषय और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें बैठ के विचार करती हैं। विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड जो बनाया गया था, और उसके बाद लगातार हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। इसके आगे लगातार अचीवमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए हैं, हमारी कुछ कमिटमेंट्स भी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी बनी हैं, और उसी के अंतर्गत आज का ये विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट इसको भारतवर्ष के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए, इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य। यस ऑनरेबल स्पीकर सर, वेदर द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू इम्प्लीमेंट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व्हाइल एड्रेसिंग दिस इश्यूज। ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लॉकचेन इज बीइंग इन द रजिस्ट्री ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स बाय अवर बाय ग्रेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। श्री मनीष तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर सर। विद योर परमिशन मिस्टर स्पीकर सर, आई वॉन्ट टू आस्क अ ब्रॉडर पॉलिसी क्वेश्चन। गोइंग बैक टू द अर्थ समिट इन रियो डी जनेरो इन 1992, there was a consensus which emerged in the global community that transfer karke jo man mein aate usko baant ke modus operandi ek kiya hai, agar mere account mein aur aapke account mein 10,000 rupaye wo bhejte hai to usme 2,000 rupaye jiske account mein wo bhejenge wo rakhna hai, 8,000 rupaye sarkari jo mantri wagera 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 jo hai उनको वापस देना है। दिस वॉज द मोडस ऑपरेंडी, इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम। एंड SIT वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, बट SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी जो मंत्री थे, जिसका इस्तीफा लिया था मुख्यमंत्री ने बहुत प्रेशर के बाद, तो उनको इंक्वायरी को नहीं बुलाया, उनको अरेस्ट नहीं किया। जब ED ने एंटर किया, सिंस इट वॉज ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, तब ED के ऊपर ही FIR करते हैं। एंड देर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन वाल्मीकि स्कैम ऑल्सो, वाल्मीकि बोर्ड स्कैम ऑल्सो। एट द सेम टाइम इन अ मूडा स्कैम, दैट इज मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम, वेयर ही हैज इन हिज वाइफ्स नेम 14 मोस्ट वैल्यूएबल साइट्स हैव बीन अलॉटेड, दैट इज वर्थ फ्यू क्रोर्स। एंड नाउ सिद्धरामैया इज क्लेमिंग my land they have taken over, but the land denotification was done and land was transferred in the name of Mr. Siddaramaiah's wife when it was developed and handed over to some individual beneficiaries
and sale deed was also executed. At that time, backdated, the land was, the agricultural land was transferred in the name of Shrimati Siddaramaiah. Now question is, old tenure of this house, लेकिन कुल मिलाकर के विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है. ठीक 1992 या 1997 से कंसर्न बढ़ता लगा रहा है. हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं और उस कमिटमेंट में हमने जो एमिशन के कमिटमेंट किए हैं कि 2005 का जो कमिटमेंट यानी जो एमिशन थे कार्बन एमिशन